Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss backtracking technique. So backtracking, as its name implies, if the current solution is not suitable for the problem, then we can eliminate that step and we can go back to the previous step. ठीक है, तो backtracking को हम लोग बोल सकते हैं go back या फिर step back. ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ग्रीडी एल्गोरिदम में इफ वी चूज अ पाथ, ठीक है, तो उस पाथ से हमें आगे जाना ही पड़ता है, चाहे आगे जाकर के कोई भी प्रॉब्लम हम फेस करनी पड़े, पर हम उसी ट्रैक पे फिर मूव कर सकते हैं. लेकिन इन केस ऑफ बैक ट्रैकिंग, अगर हम लोगों ने एक स्टेज को पार कर लिया है एंड नेक्स्ट स्टेज में हमें कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो हम लोग वहां से इस स्टेप पे वापस आ सकते हैं. राइट, so backtracking is an algorithmic technique that considers searching in every possible combination for solving a computational problem, right? And it is also known as refined brute force या फिर simply हम इसे बोल सकते हैं brute force approach. So this is one of the most important and widely used technique in data structures and algorithms. Also, it is known for solving problems recursively, one step at a time, and removing those solutions that do not satisfy the problem constraints at any given point of time. So ये एक इसकी एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है, वो किस तरह से वो हम आगे देखेंगे. The backtracking approach is generally used in the cases where there are possibilities of multiple solutions. So backtracking is a technique based on the algorithm to solve any problem. And जो भी recursive problems होती हैं, ठीक है, जहाँ पे optimal solution हमें चाहिए होता है maximization and minimization का, वहाँ पे हम लोग backtracking को use कर सकते हैं. So backtracking algorithm is applied to some specific types of problems. First is decision problem, used to find a feasible solution to the problem. Second is optimization problem, used to find the best solution that can be applied. So इसमें एक important point ये भी है कि अगर हम लोग same graph लेते हैं जो हम लोगों ने previous greedy algorithm में use किया था, तो ये सोर्स है एंड दिस इज द डेस्टिनेशन. इसका अगर कॉस्ट 8 है, इसका 10 है एंड इसका 2 है, ठीक है, तो हम क्या करते थे ग्रीडी एल्गोरिदम में, पहले हम मूव करते थे शॉर्टेस्ट पाथ से. अगर इसका आगे जाकर के जो कॉस्ट है वो 50 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, तो भी हमें इसी पाथ पे मूव करना होता था एंड आगे हम लोग किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे. बट बैक ट्रैकिंग के केस में क्या होता है, अगर हम लोगों ने इस रूट को पकड़ लिया एंड आफ्टर सम टाइम हमें लगता है कि इसके आगे कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो हम वापस आ सकते हैं अपने प्रीवियस स्टेप पे. किसी भी स्टेज से हम लोग मूव बैक कर सकते हैं, बैक ट्रैक कर सकते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट इज इन्यूमरेशन प्रॉब्लम, यूज्ड टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम. सो ये है बैक ट्रैकिंग का एक एग्जाम्पल. ग्रीन मार्क जो होता है, ये होता है हमेशा सोर्स, यानी कि जहां से हम मूव करना स्टार्ट करते हैं. एंड जो रेड होते हैं, ये होता है कि दिस इज अ डेड एंड, ठीक है. एंड यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं. ब्लैक कलर हमें बताता है कि यहां तक हम लोगों ने विजिट कर दिया है. सो ग्रीन स्टार्टिंग पॉइंट है, ब्लू जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट पॉइंट, रेड जो है, रेड का मतलब डेड एंड भी होता है, इसे हम बोल सकते हैं कि इट हैव नो विजिबल सॉल्यूशन, राइट. एंड ग्रीन जो है, या फिर यहां पे ग्रीन की जगह हम लोग ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, ये बताता है कि सॉल्यूशन का एंड हो चुका है, कि हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है. सो इस तरह से एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हमें ये बताया गया होता है, एक ग्राफ दिया गया होता है एंड उसमें हमें बताना होता है कि ग्रीन सर्कल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है एंड रेड, ब्लू, ब्लैक सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ दिस एल्गोरिदम. द फर्स्ट एप्लीकेशन इज एन क्वीन प्रॉब्लम.
Second is sum of subset problem. Third is graph coloring, and next is Hamilton cycle. So graph coloring and Hamilton cycle जो है ये दोनों types बहुत ज़्यादा important है, and सिर्फ data structures में ही नहीं, बाकी की जो NTA UGC NET paper 2 computer science में और भी दो units हैं जहाँ पर कि ये graph coloring and Hamiltonian cycle जो है वो use होते हैं. So we will discuss all these applications in detail in some next videos. So I hope you understand every point. Thank you so much.